हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमारी बाइक का जो कार्बोरेटर होता है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो है मिसिंग की प्रॉब्लम। जब हम थ्रॉटल अप्लाई करते हैं तो उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाने लगती है। तो इसके पीछे जो रीज़न होता है वो, अगर हमारी बाइक में सीबी कार्बोरेटर लगा हुआ है जिसकी जो वैक्यूम पिस्टन स्लाइड होती है वो हवा पर चलती है, वैक्यूम पर चलती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वैक्यूम पिस्टन स्लाइड होती है वो ऊपर नहीं उठती है जब आप थ्रॉटल देते हैं, ठीक है। जबकि थ्रॉटल देने पे जो इंजन से सक्शन होता है और जो एयर आती है एयर फिल्टर से, तो उससे तुरंत वो स्लाइड ऊपर उठ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार उसको सही से डायग्नोस नहीं करते इस प्रॉब्लम को और सीधे कार्बोरेटर रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैंने रीज़न देखा है और मेरी बाइक में भी ऐसा ही हुआ। ये जो आप डायफ्राम जो रबड़ देख रहे हैं ये वैक्यूम पिस्टन स्लाइड के ऊपर पर लगी होती है, आपने देखी ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जबकि ये न्यू कंडीशन में होती है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि अगर आप इसे खींचेंगे इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो तुरंत फट जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, तो क्या हुआ है, क्या हो रहा है कि इसमें जब इंजन का सक्शन हो रहा है और जो एयर जा रही है कार्बोरेटर की तरफ, तो उससे क्या होता है ये रबड़ फूल जाती है और फूलने की वजह से ऊपर उठती है। लेकिन इसमें जब रबड़ इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है तो ये फूल नहीं रही थी और इसी की वजह से जो स्लाइड थी वो ऊपर की तरफ नहीं उठ रही थी, ठीक है। तो ये जो है रबड़ मैंने रिप्लेस कर दी इसमें, और इसको रिप्लेस करके मैंने एक आफ्टर मार्केट लगाई रबड़। लेकिन आप जानते ही हैं कि आफ्टर मार्केट की क्वालिटी कैसी होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है रबड़। कुछ लोग इस रबड़ को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये रबड़ फट जाती है कोई जगह से, और इसके फटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि गाड़ी में ये जो कार्बोरेटर की फिटिंग है, जो असेंबलिंग की जाती है वो सही तरीके से नहीं की जाती, जिसकी वजह से इस रबड़ पे निशान पड़ जाते हैं, जहाँ एक बार जब इस पे निशान कहीं पे पड़ जाते हैं तो वहीं से ही रबड़ फट जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये अलग से आती है, अलग से आपको ओरिजिनल मिल जाएगी जिसका पार्ट नंबर है JE 58-12-13, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसे ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये वैक्यूम पिस्टन किट जो आती है कंप्लीट उसी में मिलती है, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर होता है 36JD 0004। तो उसमें क्या होता है, ये रबड़ आपको मिलती है, उसके साथ साथ पिस्टन स्लाइड मिलती है, और जो पिस्टन स्लाइड की स्प्रिंग होती है वो आपको उसमें मिलती है किट में। जो जेट नीडल होती है वो अलग से आती है, जेट नीडल इस किट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपको जेट किट में मिलेगी कंप्लीट, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब भी आप ये रबड़ हार्ड हो जाए तो इसे रिप्लेस कर दें, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कार्बोरेटर रिप्लेस हो जाएगा। और कार्बोरेटर जो है वो कोई सस्ता नहीं आता है, काफ़ी कॉस्टली आइटम होता है, किसी किसी बाइक में 2000 रुपये का कार्बोरेटर आता है, तो कुछ बाइक्स में 5000-5000 रुपये के कार्बोरेटर्स आते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर्स आ रहे हैं जो 4000-5000 रुपये के आसपास आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, कार्बोरेटर क्लीनिंग के दौरान इस डायफ्राम रबर और पिस्टन स्लाइड पे पेट्रोल नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इंजन रन होता है तो जो मेन जेट से पेट्रोल का स्प्रे उठता है तो वो हमेशा इनके इस डायफ्राम रबर के और स्लाइड के कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लीनिंग पेट्रोल से अगर मैंने कर दी और इसकी वजह से ये रबड़ ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक टाइम के बाद हार्ड ही हो जाती है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था आपको, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।